हेलो फ्रेंड्स, कार का इंजन बे क्लीन करने के लिए कई बार लोग सोचते हैं कि कैसे हम क्लीन कर पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं पानी डाल सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं पानी नहीं डाल सकते हैं, या फिर ड्राई क्लीन करें। मतलब एक बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि इंजन बे को क्लीन कैसे किया जाए। और आज मैं इस वीडियो में क्लीन करूंगा इस इंजन बे को। इंजन बे की हालत आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा गंदी है। हाँ, एक बात तो सही है, इंजन बे क्लीन करने के लिए मैं पानी का यूज करूंगा, लेकिन पानी का यूज किस तरीके से करूंगा वो इंपॉर्टेंट है समझना। यूज करने से पहले मैं डिग्रीसर का यूज करूंगा। डिग्रीसर क्या है? ये डिग्रीसर है, कैसे बनाया है वो भी अभी आपको बताता हूँ। ये कुछ डिफरेंट टाइप का डिग्रीसर है जो आपके कार के इंजन बे को बिल्कुल क्लीन बनाने में आपकी हेल्प करेगा, आपके काम को एक आसान कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपको इंजन बे बहुत अच्छे से क्लीन करना है तो आप ये समझ लीजिए हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, अदरवाइज आपके हाथ कट सकते हैं। मैंने ये पुराने ग्लव्स पहने हुए जो कि खराब हो गए थे, अब लास्ट टाइम ये यहाँ पे यूज होंगे। सेकंड चीज, ब्रश मैंने जो लिए, ब्रश आपके पास होने जरूरी है अच्छे से डीप क्लीनिंग के लिए। पेंटिंग ब्रश भी चल सकता है, पेंटिंग ब्रश मैंने यहाँ दो लिए। टूथब्रश की जरूरत पड़ती है तो टूथब्रश भी चलेगा। और एक दो ये मैंने वायर ब्रश लिए। ये जगह जगह पे इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। और दूसरी चीज, इंजन बे क्लीन करने से लोग डरते क्यों हैं पानी डालने से? कि इलेक्ट्रिकल चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी, सेंसर खराब हो जाएंगे, ये डैमेज हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तमाम तरह की बातें होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे क्लीन करिए। पहला स्टेप, क्लीन करने से पहले बैटरी के टर्मिनल देख रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर लीजिए नेगेटिव। मैंने यहाँ दोनों कनेक्शन हटा दिए। सेकंड स्टेप, आपकी गाड़ी के जो मेन इक्विपमेंट होते हैं वो है हमारा ECU। सेकंड थिंग, जो इंजन बे के अंदर एक फ्यूज बॉक्स होता है वो हमारा है यहाँ पे। हो सकता है वो अलग अलग कार में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हो, लेकिन पहले जो मेन कवर करना होता है हमको इन चीजों को करना होता है। कवर करने के लिए एक पॉलीथीन लीजिए और इसको कर दीजिए कवर। सबसे पहले हमको कवर करना है ECM। ECM हमारा कवर हो गया। सेकंड चीज हमारा ये जंक्शन बॉक्स यानी कि फ्यूज बॉक्स। ये दो चीजें अभी मेरी कवर हो गई। अब ये कवर यहाँ से हटा लूंगा मैं। ये है डिग्रीसर जो मैंने बनाया है। पहले इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे? पूरे एरिया पे अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय अच्छे से डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ आपको इलेक्ट्रिकल सेंसर वगैरह दिख रहे हैं ना, अवॉइड कीजिए। थोड़ा बहुत चला जाता है तो कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा भीगे नहीं। जैसे कि ये मैप सेंसर हो गया, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। बाकी ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं है। अल्टरनेटर है हमारा, उसको थोड़ा सेव करना है हमको। वो पीछे लगा हुआ है, वो है ही पीछे, जरूरत पड़ेगी तो उसको देख लेंगे हम। लेकिन उसको भी अभी हमें क्लीन करना ही है, तो थोड़ा बहुत करके क्लीन करूंगा। कैसे करूंगा? पहले ये अप्लाई कर देता हूँ। पूरे इंजन बे पे मैंने डिग्रीसर अप्लाई कर दिया। डिग्रीसर अप्लाई किया मैंने स्प्रे गन से। स्प्रे गन अलग से ली थी, बोतल में लगाने के लिए मिलती है, 100 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जाती है। पूरा एरिया लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ना जरूरी होता है इसको सोक करने के लिए। थोड़ी देर इसको छोड़ देने के बाद अप्रोक्स 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे हमको ब्रश अप्लाई करना है। मेरा जो मोटर रहता है, जितनी भी मार्किंग रहती है पाइप पे या सेंसर पे, ये सारी दिखनी चाहिए, विजुअल पढ़ने में आना चाहिए। लगभग ऐसा डीप क्लीन तो मुझे चाहिए होता है। अब ये रेल साफ की मैंने, रेल के पास देख रहे हैं इधर सेंसर लगा हुआ है, ये रेल प्रेशर सेंसर। थोड़ा सा इसको अवॉइड कर दीजिए, लेकिन इतना भी सेंसिटिव नहीं है कि ऐसे खराब हो जाएगा। थोड़ा सा अवॉइड कर दिया मैंने बस इसको, लेकिन ब्रश तो लगाना ही है। बीच बीच में ये डिग्रीसर से सूखता जाता है, तो वो उस टाइम पे फिर आपको दोबारा से एक बार लगाते रहना पड़ेगा। और ये प्रोसेस मेरे ख्याल से 2-3 बार आपको करना पड़ेगा। टूथब्रश इन एरिया के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये देख रहे हैं, ये मॉड्यूल है, टाइम लगेगा इंजन बे क्लीन करने के लिए। अगर आपको ऐसा सुपर क्लीन करना है तो ये मैं नहीं कहता कि 5 मिनट में कर लीजिए अपना इंजन क्लीन या 10 मिनट में कर लीजिए, कुछ भी नहीं, क्लिक बेट की बातें हैं। आप समझिए, इंजन बे अच्छे तरीके से आपको क्लीन करना है बिना किसी परेशानी को झेलते हुए, तो आपको टाइम चाहिए कम से कम 2 से 3 घंटे। 4 घंटे भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी
टोटल हमने डिग्रीसर लगा दिया और जितने भी ब्रशिंग करनी थी वो सारी मैंने कर दी। और अब इसके बाद मैंने एक स्प्रे बोतल में लिया है पानी, मिस्ट मैंने सेट कर लिया है स्प्रे पे। अभी पूरा एरिया मैंने क्लीन कर दिया पानी से। टाइम है इंजन को सुखा लेने का। सुखाने के लिए कंप्रेस्ड एयर पूरे एरिया पे मुझे अप्लाई करनी है। एक एक पॉइंट जहां भी पानी रुका हुआ आपको दिख रहा है वहां पे इसको अप्लाई कीजिए। सेंसर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और ये साथ में जो पॉलीथीन हमने लगाई थी इसको हटा देंगे। कंप्रेस एयर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वैक्यूम क्लीनर का ब्लोअर मोड में एक्टिवेट करके। और अब टाइम है हमको डिग्रीसर बताने का कि डिग्रीसर मैंने कैसे बनाया था। तो देख लेते हैं डिग्रीसर। डिग्रीसर बनाने के लिए सिंपल एक पानी लिया मैंने, लगभग एक लीटर लाइजोल फ्लोर क्लीनर, इसमें मैंने ऐड किया लगभग दो कैप। अब इसके बाद थोड़ा सा मैंने क्या डाला, लिक्विड डिटर्जेंट या फिर आप डिश वॉशर भी डाल सकते हैं। दो कैप मैंने ये डाला। और अब है मेरे पास ये तारपीन। तारपीन का तेल जो हम लोग पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं उसकी एक बोतल ली थी मैंने, 60 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। और ये हाफ बोतल मैंने इसमें ऐड कर दी। अभी ये दोनों मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। जैसे ही हम मिक्स करेंगे इसको तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। कलर देखिए कुछ इस तरह से हो गया इसका। बस अब हमारा ये तैयार हो गया डिग्रीसर। तो अभी सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैंने बैटरी का कनेक्शन नहीं कनेक्ट किया है क्योंकि इसको मैं छोड़ूंगा अभी 3-4 घंटे और जब ये पूरी तरह से जितने भी मॉइस्चर है सारा कुछ सूख जाएगा फिर मैं बैटरी का कनेक्शन लगा के तब गाड़ी को कर दूंगा स्टार्ट। अब गाड़ी यहाँ से चल के जाएगी हुंडई सर्विस सेंटर पे, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं। तो वो वीडियो आने वाली है, उसको मिस मत कीजिएगा। ये थी इंजन बे की क्लीनिंग का एक आसान तरीका। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।